नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण का जो मतदान है वो समाप्त हो गया है। मतदान समाप्ति के बाद जो मतदान प्रतिशत है वो पहले चरण के अपेक्षा दूसरे चरण में और कम दर्ज किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 ही लोकसभा सीटों का ओवरऑल मतदान प्रतिशत 58.35% दर्ज किया गया है। हालांकि कई बूथों पर अभी भी लंबी कतारें लगी हैं, तो शाम तक या देर रात तक और आंकड़ा बढ़ सकता है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि 1-2% की और बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले चरण में करीब 67% मतदान हुआ था, लेकिन दूसरे चरण में 58% तक ही मतदान जो है वो सीमित होता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी जो केंद्र है वहाँ पर किसी भी तरह की बूथ कैप्चरिंग की कोई घटना नहीं हुई, हिंसक घटना नहीं हुई, सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है। लेकिन जो मतदान प्रतिशत है वो कम होना कहीं ना कहीं एक राजनीतिक पार्टियों को सकते में डाल रहा है। अभी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 58.35 है, 58.35, इसमें टीकमगढ़ 59.79, दमोह 56.18, खजुराहो 56.44, सतना 61.87, रीवा 48.67 और होशंगाबाद 67.16। ये जानकारी है अभी 6 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी उनका, मतलब लगभग थोड़ा बहुत अंतर आएगा, 1-2% का, ज्यादा नहीं आएगा। जो अगर हम विधानसभा वार अगर देखते हैं तो सबसे अच्छी पोलिंग अगर देखें 6 बजे तक की, जहां अच्छा मतदान हुआ है, जहां ज्यादा मतदान हुआ, वो जैसे हम पिछले पहले भी बताया था आपको, मतलब होशंगाबाद में पिपरिया में 73.32, देन दूसरा भी फिर वही होशंगाबाद सिवनी मालवा 69.76, और तीसरा तेंदुखेड़ा 69.33, चौथा भी यदि देखें तो सुहागपुर 68.32, और पांचवा अगर मैंने टॉप 5 ले लो तो पांचवा फिर वो नरसिंहपुर से गाडरवारा, तेंदुखड़ा में नरसिंहपुर था, नरसिंहपुर से गाडरवारा 67.72। तो ये टॉप 5 67.72। पांच में 3 होशंगाबाद, 2 नरसिंहपुर, हाँ पीसी वही है जिला में। और जो सबसे नीचे वाले 5 अगर हम देखते हैं तो सबसे नीचे है अभी त्योंथर रीवा, त्योंथर में 45.52, देन 45.52, देवतालाब रीवा 45.75, सिरमौर रीवा 46.99, मनगवा रीवा फिर 47.24, क्या मनगवा 47.24 24, और फिर पांचवा मऊगंज, फिर रीवा 48.62। जैसा पहले ही देखा रीवा में सबसे कम अभी वोटिंग हुई है, रीवा का ओवरऑल 48.67 था। तो ये स्थिति है, पिछली बार हमारा 67% था, अभी हम 58% के पास हैं। जो अभी थोड़ा सा अंतिम जब होगा तो 1-2% और इसमें इंक्रीज हो सकता है। नहीं, छत्तीसगढ़ में आंकड़े ज्यादा हैं, सही बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलावा चुनाव सिर्फ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, अन्य कई सारे राज्य हैं बड़े, सभी जगह परसेंटेज कम हुआ है। बट ये मतलब नहीं है कहने का
प्रचार प्रसार हम लोगों ने भी किया, आपने भी किया, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी किया, जनता है जो अभी भी देखते हैं कि जो जीतता परसेंट हो रहा है। बट ये सही है कि बहुत सारे राज्यों में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। नहीं नहीं, स्थिति न बने हम वो कोई सुनिश्चित नहीं कर सकता। हम प्रयास कर सकते हैं, हम लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब उसके बाद वोटिंग परसेंटेज जनता उस दिन वोट देने आती है, कितना आती है नहीं आती है, अपना काम है। हम मतदाताओं की मतदाता की सुविधा के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, प्रयास जारी है कि अधिक से अधिक लोग वोट करें। आपके माध्यम से भी और मीडिया के माध्यम से भी शुरू से बने हर दिन बातचीत करते हैं और जब भी मौका मिलता अपील करते हैं। कहीं भी जहां भी ईवीएम में दिक्कत आई मतदान शुरू में, तत्काल उसको ठीक किया गया। उसके कारण कहीं मतदान में कोई प्रक्रिया बाधित नहीं हुई, मतदान निरंतर हुआ है और जो लोग भी आए उन्होंने वोट दिया है। कौन सा नहीं? अच्छा, कहीं कोई बहिष्कार हुआ सर? कहीं बूथ कैप्चरिंग, कहीं कोई घटना, हिंसक घटना कोई? नहीं, बूथ कैप्चरिंग या हिंसक घटना नहीं है। बहिष्कार की जानकारी बाद में आएगी, मेरी जानकारी में तो बहिष्कार वैसा नहीं है, हर जगह वोट डला है। लेकिन ये अभी कह पाना कि कहीं वोट बिल्कुल नहीं डला है, मेरे लिए संभव नहीं है। होगा अभी नहीं है यहाँ पे, तत्काल तो नहीं है। हाँ, करा देंगे। महिला पुरुष टोटल में 5% का गैप है पुरुष और महिला में। जहां कहीं भी एक घंटे लेट मतदान शुरू, कहीं भी एक घंटा लेट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत लेट जहां भी हुआ मशीन के कारण, वहां मशीन बदल दी गई और उसके बाद वोट डलना शुरू हुआ। वोटिंग परसेंटेज आप खुद देख रहे हैं इतना कम है, तो उसके अगर मान लो कहीं 10-15 मिनट विलंब भी हुआ है तो उसके कारण कोई प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है और कोई वोट डालने से वंचित नहीं हुआ है इस कारण से कि समय नहीं मिला। एडिशनल मेजर साहब, हम तो नहीं, हम लोग लगातार मतदाता से संपर्क कर रहे हैं, प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे गांव में कोई कार्यक्रम का आयोजन हो, चाहे आप देख ही रहे हो मेहंदी रंगोली आप रोज छापते हैं। तो मैं तो अनुरोध ये करना चाहूंगा कि ठीक है, हमारी सोच से आगे अगर आप लोग कुछ बता पाएं तो हम थर्ड और फोर्थ पेज में उसको भी शामिल करेंगे, थोड़ा और कहीं उससे कुछ रिजल्ट मिल जाए। अच्छा, अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंट है वो होशंगाबाद में 67 दर्ज किया गया है। होशंगाबाद का जो पिपरिया है वो 73% के साथ अव्वल रहा, तो सबसे कम रीवा में 48% मतदान दर्ज किया गया। हालांकि शाम तक और आंकड़े बढ़ने की संभावना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जताई है। मोहम्मद ताहिर खान, फिर बस अच्छी न्यूज, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।